कॉलिंग सेकंड क्लास, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा, आप कैसे हैं? हमने 6.1 कर ली थी, आज हम करेंगे 6.2 मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में बेटा आपको क्लियर है 1 डिजिट के, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दी थी और एक्सरसाइज भी करवाई थी। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम इससे रिलेटेड काम करेंगे, आपको नंबर लाइन दी जाएगी, उससे रिलेटेड आपको मल्टीप्लाई करना है। इसकी खास प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आपको इजी ही लगेगा। अब पहले आपको देखें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेट है आपकी, क्लास सेकंड है, सब्जेक्ट मैथ्स है, टॉपिक है मल्टीप्लाई, टॉपिक क्या है मल्टीप्लाई। तो एक्सरसाइज है आपकी 6.2। सब बच्चे अपने अपनी नोटबुक खोलें और जिनके पास बुक्स हैं पहले बुक्स खोलें। ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, सब बच्चों ने खोल ली, वेरी गुड। पहले मैं आपको मल्टीप्लाई का एक टॉपिक दे देती हूँ 2 मिनट के लिए। देखिए, जैसे आपने किया 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 2 10 ज़ा 20। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, इसे डोजन टेबल भी कहते हैं, जो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। ये आपकी 6.1 थी बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों ने कर ली। ओके स्टूडेंट्स, आज हम 6.2 करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी बुक में है। 6.1 और 6.2, आज हम 2 टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अब है 6.1, पहले हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। बात एक ही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको समझाती हूँ, बच्चे ध्यान से करें।
सब बच्चों को क्लियर हुआ है ये बी पार्ट? सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में ऐसे ही बनाएंगे और फिर उसको करेंगे। बच्चे ध्यान से करें बेटा, डू फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड है इसका सी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। सी पार्ट देखिए इसका क्या है। बॉल्स बनी हुई है, देखो फुटबॉल बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है बेटा। ये ऐसे ड्रॉ करके फिर काम करना है। आपने फुटबॉल बनानी है, हमने स्माइली बना दी है। तो कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर। तो 1 पेयर में कितने हैं? 1 over 2। सेम हेयर, कितने पेयर हैं इसमें? 1 over 2। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करिए अब इसको भी मल्टीप्लाई, आप खुद करेंगे इसको मल्टीप्लाई। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सब बच्चे ध्यान से करें। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। करिए इसको मल्टीप्लाई आप लोग। सब बच्चों को क्लियर नजर आ रहा है? 2 मिनट्स हैं आपके पास, जल्दी करें। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा। आंसर है इसका 10 to the 20। 2 10 the 20। दिस इज योर आंसर। सब बच्चे यहाँ तक करें, फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा।
वेकेशन। राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच। नंबर लाइन। देखिए बेटा लाइन लगी हुई है, स्टार्टिंग करते हैं हम। पॉइंट लगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आपने स्केल की सहायता से ये लाइन खींचनी है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो आपके बुक में भी है, 2-2 का गैप है। कितना का गैप है? 2-2 का। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। कहाँ तक है ये हमारा? 12 तक। कहाँ तक है हमारा? 12 तक। ये हमारा 2, 2, 2, 2 एंड 2 एंड 2। तो इन्होंने बोला है कि 2 हमारा कितनी बार है, देखेंगे ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 × 6 आपने इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। समझे? ध्यान दें, आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग करना है। अब दूसरा पार्ट हम बताते हैं, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ये ए पार्ट हो गया आपका, बी देखेंगे। सहायता से आराम से लाइन खींच के उसको पार्ट में 1-1 के या हाफ हाफ के उसमें डिवाइड कर सकते हैं। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे। इन्होंने बोला है 0 से लेकर 9 तक, 9 से लेकर 18 तक। हमने कहा से किया है 0 से लेकर 9 तक, फिर 9 से लेकर 18 तक। ये 2 था, 2 था, कितनी बार था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो 9 है, वेरी गुड। कितनी बार है? 1 over 2, तो 9 2 था। करें इसको मल्टीप्लाई, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। आपको मल्टीप्लाई ध्यान से करना है, इसके 5 ही क्वेश्चंस हैं। सब बच्चे ध्यान से करेंगे ब्लैक बोर्ड से देख कर बेटा। दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट नंबर लाइन। सब बच्चे ध्यान से लिखें, ये है आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर ईच नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा आंसर, बताइए। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा। जल्दी करें बेटा, डू फास्ट। बताइए 2 6 वेरी गुड 12 2 6 12 9 2 ये 2 9 18। दिस इज योर आंसर। सब बच्चे ध्यान से करें, ऑल स्टूडेंट्स साइड केयरफुली बेटा।
क्वेश्चन, हम इसी को ही रखेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे दोबारा। आप लोगों को तो दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा ना। अब है आपका सी पार्ट। इन्होंने बोला है 20 तक, तो हम इसको आगे कर देंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी 2-2 के हैं 20 तक, 2, 2, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो अब हम बताएंगे 2 तो है, तो क्लियर है कितनी बार है, कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 10s है, बताइए कितना होगा 20, कितना आ जाएगा 2 10s है 20, तो ये आंसर लास्ट में 20 है ना आपका, तो ये आपका आंसर है। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो जितना भी आपको इजी लगे आप वहाँ तक जा सकते हैं, हमें ज़्यादा की जरूरत नहीं है, तो हम इसको अपना ही ले सकते हैं। देखिए आप कहाँ तक है, 50 तक कर लिया हमने, कोई बात नहीं। आप गैप कितने का दिया है, 5, 5 का, कितने का गैप दिया है, 5, 5 का, 0 से लेकर 5, 5 से 10, 15, 25, 30, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. तो अब क्या है, 5 है, वेरी गुड। अब कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5, 6 का कितना हो गया 30, 5, 6 का कितना हो गया 30। इन्होंने एक ही क्वेश्चन में 2 दिए बेटा, 0 से लेकर 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, क्या दिया है, 0 से लेकर 10 तक, ये 10 हो गया, फिर ये भी 10 तक आ गए, ये भी 10, तो नीचे क्या दे दिया है 10, ये ऊपर 5 का था, कितनी टाइम्स था, 6 टाइम, या नीचे क्या है 10, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1, 2, 3, तो 10 3 30, दोनों आंसर कहाँ तक जा रहे हैं 30 तक, दोनों आंसर्स कहाँ तक जा रहे हैं 30 तक, दिस इज योर आंसर। सब बच्चे ध्यान से करेंगे ब्लैक बोर्ड पर देख कर, ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चों को क्लियर हुआ है ये पॉइंट, सब बच्चे ध्यान से लिखें, ध्यान से देखें, ये है आपका सी एंड डी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा। ये आपके नंबर लाइन पे है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, सब बच्चे ध्यान से करें बेटा, राइट केयरफुली। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पार्ट, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका बेटे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। नंबर लाइन दी है इसकी, इन्होंने गैप दिया है हमारे को 4-4 का, पहले क्या दिया है 4-4-4, कहाँ तक दिया 40 तक, 4-4-4-4-4-4-4 कितने हो गए 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4। अब हम देखेंगे 4 कितने टाइम्स है, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, तो 4 टेन से कितने होते हैं 40। देखिए ये आंसर हमारा 40 पे आ रहा है, वेरी गुड। अब इन्होंने नीचे से ही जैसे पहले क्वेश्चन में था 8 का गैप दिया, 8 टेबल हो गया 8 का 8 16 24, यस कितने का गैप हो गया 8 का, कितने का गैप हो गया 8 का। ओके स्टूडेंट्स, 8 कितनी बार है, कितने टाइम्स है 1-2-3-4-5, 8-5 अभी कितने होते हैं 40, तो दोनों ही कहाँ पर टच कर रहे हैं आपको 40 पे, दिस इज योर आंसर। सब बच्चे यहाँ तक आपके अपनी नोटबुक कंप्लीट करें, ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, सब बच्चे ध्यान से लिखें, ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन क्लियर करवा देती हूँ, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे बेटा। देखिए बेटा आपकी बुक में ही दे रखा है क्वेश्चन, 4-4 का गैप दिया हुआ है, 0 से 4, 4 से 8, 12, 40, ये कितने टाइम्स है 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 4 है कितने टाइम्स है 10, तो 4 10 40, तो यहाँ पे भी 40 पर ही काउंट कर रहा है ना, फॉल कर रहा है। सेकेंड इसका नीचे का 8 दिया है, 8 का गैप टेबल हो गया आपका 8 16 24 32 एंड 40 तक, तो 8 8 8 8 8, तो 8 कितनी टाइम्स हो गया 1-2-3-4-5, 8 5 40, दिस इज योर आंसर। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर फॉल कर रही है 40 पर, तो हमारा आंसर भी ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा अपनी बुक्स कवर करें, स्कूल से आकर बुक्स लें, कोई प्रॉब्लम हो तो 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप स्कूल में कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर बेटा। सब बच्चे जल्दी से उतार लें बेटा, 2 मिनट्स हैं आपके पास, डू फास्ट।
हैं।